अब हम बात करेंगे लालू यादव और राहुल गांधी की मुलाकात की। सावन के महीने में मुलाकात हुई थी, लेकिन ये वीडियो अब जाकर वायरल हो रहा है और बिहार की जनता के बीच ये चर्चा का विषय बन गया। आप इन तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि किस तरह से लालू प्रसाद यादव राहुल गांधी को मटन बनाना सिखा रहे हैं और राहुल गांधी तेजस्वी यादव के साथ बैठकर मटन खाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि राहुल गांधी को वो पहले मटन बनाना सिखाते हैं। इस पर बीजेपी ये सवाल खड़े कर रही है कि आखिर सावन के महीने में राहुल गांधी जो खुद को पंडित बताते हैं, वो अगर इस तरह से मटन खा रहे हैं तो उनकी पंडिताई कहाँ गई। ये सवाल, ये एक सियासी मुद्दा बन गया है और दोनों ही तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर देखने को मिल रहा है और दोनों ही तरफ से बड़ी दिलचस्प प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं और बिहार की जनता भी इसमें रुचि लेती हुई दिखाई दे रही है। और इस वक्त हमारे साथ ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता आफ्ताब पटना स्टूडियो से जुड़े हुए हैं, सीधे चलेंगे उनके पास। आफ्ताब, ये वीडियो कुछ दिन पहले का है जब सावन का महीना चल रहा था, लेकिन लगता है वीडियो सामने आने के बाद दोनों ही पक्ष मुखर हो गए हैं और बिहार की जनता भी काफी दिलचस्पी ले रही है इस वीडियो में। नहीं, बिल्कुल, देखिए ये साफ है कि जब से राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और राहुल गांधी की ये वीडियो वायरल हो रही है, उसके बाद से कहें कि देश की राजनीति में एक नया उबाल सामने आया है। और हम साफ तौर पर कह सकते हैं कि लालू प्रसाद यादव कहीं ना कहीं एक बड़े मंझे हुए खिलाड़ी है, नेता है, और उनके साथ साथ ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव जिस तरीके से राहुल गांधी को मटन बनाने की गुर सिखा रहे हैं, और ये तस्वीर जो देखा जा रहा है, ये वीडियो जो है, ये दिल्ली के मीसा भारती के आवास है, वहां पर साफ तौर पर देखा जा रहा है। तो ये हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं राहुल गांधी के साथ जिस तरीके से मटन बनाने की गुर सिखा रहे हैं लालू प्रसाद यादव, तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के जो कार्यकर्ता हैं, जो विधायक हैं, जिन्होंने साफ तौर पर बयान दे दिया है, तो ये हम कह सकते हैं कि दोनों पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं कहीं ना कहीं ये बात को मुकम्मल तरीके से मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये जरूर है कि कहीं ना कहीं बहुत सारे नेता का ये भी कहना है कि लालू प्रसाद यादव सिर्फ नीतीश कुमार के साथ है दिखावे के लिए और वो राहुल गांधी का मुकम्मल तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। आपको याद होगा केंद्र में कई बार सरकारें ऐसी आई जब स्थिति गड़बड़ हुई तो लालू प्रसाद यादव ने समर्थन किया और कांग्रेस की सरकार भी बचाई है। तो हम ये कह सकते हैं कहीं ना कहीं मटन के साथ जो राहुल गांधी और लालू प्रसाद यादव के जो वीडियो वायरल हुए हैं, ये एक मतलब नया जो है कि मुद्दा जरूर पैदा हो गया। जी बिल्कुल, लगता है कि विपक्ष को एक हमले का हथियार भी मिल गया है। चलिए बिल्कुल, देखिए भारतीय जनता पार्टी हो या चाहे हम पार्टी हो या एनडीए में जो भी पार्टियां शामिल हैं, वो इस मुद्दे को कहीं ना कहीं जनता के बीच में भुनाने की कोशिश जरूर कर रही है। तो हम ये साफ तौर पर कह सकते हैं कि लालू प्रसाद यादव के साथ जो वीडियो वायरल हुआ है राहुल गांधी का मटन बनाने का, तो ये कहीं ना कहीं एक तरह से देखा जाए तो ये कांग्रेस ने इस वीडियो को वायरल किया है और इसमें नजर आ रही है, आपने देखा होगा कि मीसा भारती जो कि राज्यसभा सांसद है पार्टी की, राजद की, वो भी शामिल नजर आ रही हैं और ये कहीं ना कहीं बीजेपी को मुद्दा जरूर मिल गया है। वही जो है कि बहुत सारे ऐसे पार्टी के जो नेता हैं जो एनडीए में शामिल हैं, वो कहीं ना कहीं जो कि खुलकर बोलना शुरू कर चुके हैं और एक राजनीतिक मुद्दा अभी जो इंडिया गठबंधन बना है उनके साथ साथ भी देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो है कि सब लोगों को एक बड़ा मुद्दा मिल गया है और आगे देखना दिलचस्प होगा कि आगे इसका रिजल्ट क्या होता है। जी चलिए आफ्ताब, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये वीडियो अब जाकर जारी हुआ है, जनता भी इस वीडियो को खूब दिलचस्पी लेकर देख रही है और विपक्ष ने इसे हमले का हथियार भी इसे बना लिया है। तो ये देखने वाली बात होगी कि जनता पर इस वीडियो का क्या कुछ फर्क पड़ता है और जो सियासत हो रही है उसका असर क्या कुछ होता है।